आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। योगी सरकार ने कमान संभाल ली है और अब जनता के हित में काम करना भी शुरू कर दिया है। लगातार सौगातों का दौर शुरू हो चुका है और जारी भी है। आपको बता दें कि जहां सीएम योगी ने अपना कार्यकाल संभालते ही पहले दिन मुफ्त राशन की सौगात दी, तो वहीं दूसरे दिन भी एक और बड़ी सौगात दी, और वो सौगात दी है पूर्वांचल को। पूर्वांचल के दो बड़े जिलों को सौगात दी है, वो है हवाई सेवा की। क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला और कौन कौन से फायदे होने वाले हैं इस हवाई यात्रा से, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मनगरी को हवाई सौगात, नई उड़ान गोरखपुर टू वाराणसी, फ्लाइट का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। गोरखपुर से कानपुर और काशी के लिए उड़ान सेवा रविवार से शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उड़ान योजना के तहत इंटर स्टेट फ्लाइट गोरखपुर से वाराणसी का शुभारंभ किया। बता दें कि ये कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया, इसमें नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। सरकार ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट्स की व्यवस्था की है। क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत ये सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी विमानन कंपनी स्पाइस जेट को मिली है। वहीं अब दोनों शहरों तक पहुँचने में 20 से 25 मिनट ही लगेगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीएम मोदी के उस संकल्प की पूर्ति होती दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व से संभव हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल पहले यूपी के जो एयरपोर्ट चालू थे, उनसे देश के केवल 25 गंतव्यों तक ही यात्रा होती थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश से देश के 75 गंतव्यों की हवाई यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि गोरखपुर से वाराणसी के साथ ही गोरखपुर से कानपुर के लिए भी फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है। अब स्पाइस जेट का विमान रोजाना वाराणसी से गोरखपुर सुबह 9:35 पर आएगा और 9:55 पर गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान भरेगा, जबकि कानपुर से गोरखपुर की फ्लाइट रोज दोपहर 12:35 पर आएगी और 12:55 पर कानपुर रवाना होगी। गोरखपुर से अभी दिल्ली के लिए 5, मुंबई के लिए 2 और कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, प्रयागराज के लिए रोजाना 1-1 यानी कुल 11 विमान उड़ान भरेंगे, लेकिन वाराणसी और कानपुर के लिए स्पाइस जेट के 70 सीटर 2 विमानों के शुरू होने के बाद अब कुल उड़ानों की संख्या 13 हो गई है। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के गोरखपुर और वाराणसी को बड़ी सौगात दी है। इससे समय की तो बचत होगी ही, साथ ही जनता हवाई सफर का अनुभव भी कर सकेगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।